भंडारा गोंदिया लोकसभा निवडणुकीकरता भाजपा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहे. भाजपकडून भंडारा नगर परिषदेचे अध्यक्ष सुनील मेंढे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे नाना पंचबुद्धे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. एकंदरीतच भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र हा चर्चेचा मतदारसंघ असून या ठिकाणी प्रफुल्ल पटेल लढणार असल्याचं बोललं जात होतं. मात्र सगळ्या राजकारणी लोकांचं गणित चुकीचं ठरवत राष्ट्रवादीची उमेदवारी ही नाना पंचबुद्धे यांना दिल्यानं चर्चेला आता उधाण आलं आहे. तर दोन्ही पक्ष आम्ही लोकसभा जिंकू अशी दावेदारी करत आहेत, तर बसपातर्फे डॉक्टर विजया नांदूरकर यांनी उमेदवारी भरली आहे. आता यामध्ये तिरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे. तर दुसरीकडे भाजप हे नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाच्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवणार असून निश्चितच विजय होणार असल्याचं सांगितलं जातंय. तरी भंडारा जिल्ह्यातील भाजपमध्ये बंडखोरी करत किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र पटेल यांनी अर्ज भरला असून दुसरीकडे भाजपाचे माजी खासदार खुशाल भोपाचे यांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यानं भाजप पक्षामध्ये बंडखोरी झाली असल्यानं आता भाजपा काय करणार याकडे सर्वांचंच लक्ष आहे. हमारे सारे मित्र पक्ष की ओर से हमारे युति के उम्मीदवार सुनील मेंढे जी, इनका नामांकन पत्र हमने अभी जिलाधिकारी कार्यालय में दाखिल किया है. भंडारा गोंदिया जिले से हमारे जिले के पालक मंत्री गोंदिया के राजकुमार बड़ोले जी, परने फुके जी, हमारे सारे विधायक और 25,000 कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरने के लिए भंडारा में आए. हमने केंद्र सरकार राज्य सरकार ने जो काम भंडारा गोंदिया जिले में किए हैं वो सारे कामों को लेकर हम जनता में जाएंगे और जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, नितिन गडकरी जी, इनके नेतृत्व में जो हमने नींव रखी है विकास की वो पूरी तरह से और सफल बनाने का प्रयास करेंगे. सुनील मेंढे एक अच्छे कार्यकर्ता है नगराध्यक्ष भंडारा के और ये जीत सुनिश्चित करेंगे. पिछले बार हम थोड़ी वोट से हम हार गए थे, इस बार रिकॉर्ड ब्रेक वोटों से हम जीतेंगे. भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस रिपा पीरीपा के और पार्टियों के हमारे संयुक्त उम्मीदवार नाना पंचबुद्धे, इनका आज हमने नामांकन भरा है. और इस क्षेत्र से पिछले बार जब बाई इलेक्शन हुआ था नाना पटोले के राजीनामे की वजह से, तब मधुकर कुकड़े जी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे संयुक्त उम्मीदवार जीत कर आए थे. इस बार बहुत आग्रह था कि मैंने स्वयं इस चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और इस बार जो वातावरण गोंदिया भंडारा जिले में जनता का वातावरण बहुत ही बड़े पैमाने पर मेरे पक्ष में नज़र आ रहा है. फिर भी क्योंकि मेरे 3.25 साल राज्यसभा की अभी कार्यकाल बाकी होने की वजह से पार्टी के निर्देश अनुसार हमने ये फैसला किया कि नाना पंचबुद्धे जो पूर्व मंत्री रहे हैं